तन के इस तंबूरे में सांसों की तार कह रही है जय सिया राम राम, सिया और राम। अब ये सिया राम का एक परिभाषा है, दो सांस हो गई है और त्रिगुणात्मक, एक सांस अंदर गई एक सांस बाहर गई, बीच में पॉज है, सारा खेल ही पॉज का है। यह है सुषुम्ना नाड़ी, यहां मैनिफेस्टेशन होती है। तुक्के से उस दौरान से सांस गुजरती है और हम सोचते हैं वो काम होता है, अभी करेंगे डिटेल। ये सियाराम, सियाराम क्या मर्यादा से चल रहे हैं? राम कॉन्शियसनेस एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जिसमें मर्यादा है, देर इज अ डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन के अंदर या तो हाँ होगी भैया या ना होगी। तो एक मैनिफेस्टेशन का तरीका क्या है, तन के तंबूरे में सांसों की दो तार बोले जय सियाराम, या तो सियाराम सियाराम करके कर लो। सियाराम मीन्स परफेक्ट। राम ने सीता को भी कहा नमस्ते, क्योंकि मर्यादा कहती है जाओ तो जाओ, हालांकि उससे उनका लॉस है, पर्सनल लॉस, लेकिन पर्सनल कुछ रहा ही नहीं, तो या तो ऐसा कुछ रहा जो पर्सनल है ही नहीं। आप दुनिया के लिए मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो हो जाता है, साला हमारे लिए नहीं होता। लोग अक्सर रामायण करते हैं, ये है वो जय सियाराम वाले, अभी सब डिटेल करेंगे कि यार मैंने उसको बताया ये शेयर खरीद ले, साला उसका पड़ गया, मैंने लिया हुआ नहीं, यार मेरे से सीख के गया बंदा वो, आज भाई अपनी दुकान खोल के बैठा है, मेरे से काम सीखा था, मैंने राय दी थी, साला मेरा वाला मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? क्योंकि जय सियाराम वाले में बाहर जाएगा, खूब बांटो, मर्यादा से चलो, कोई लेना देना नहीं। कार सेवा होती है यार, हाथ से कर, हाथों से सेवा, कौन मर्सिडीज से आ रहा है, कौन साला जल्दी वाला है, कौन भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है, किसने कितना खाया, कौन घर ले गया, हम इसी में लगे रहते हैं। यार तूने देखा था, वो आई थी मिसेस वर्मा, दो पूरी फालतू खा गई, वो कितनी भूखी है, ये क्या बात हुई यार, अरे उसको स्वाद आया, मजे लिए, उसने एंजॉय किया, उसे देखा, उसकी प्लेट देखी थी खाना खाते हुए, मांगेराम को साले को खाने की तमीज नहीं, हाथ गंदे प्लेट गंदी, तो उसको उसी में मजा आ रहा है, तुम होते कौन हो बोलने वाले, वो खुद ही उठा के ले गए जी खाने का सामान, अतल्ले जान दे तुम्हारे बाप का क्या गया, नया ले लो। अब जो जैसा है वैसा है वो अपने मजे ले रहा है, काहे के लिए त्रुटियां ढूंढ रहे हो, जय सियाराम, भाड़ में जाए, कौन गलत है कौन सही है, आपको कोई लेना देना नहीं है। वन मैनिफेस्टेशन इज दिस, एक तो ये है, और दूसरी मैनिफेस्टेशन है जय राधे श्याम। यार कृष्ण जी और राधा, बड़ी मजे की बात है यार, कृष्ण जी का एक बड़ा मस्त चरित्र है, छोटा सा ही बची जगह हमारे पास यहाँ, ये कृष्ण जी का चरित्र है, ये मर्यादा का राम है। कृष्ण की बड़ी मजेदार बात है, अभी कसम खाई, मैं यही कसम खाता हूं, अब मैं ये करूंगा, एक घंटे में तोड़ दी साले तेरी ऐसी की तैसी। ये कौन सा देवता है? ये देवता है जायज का, ये देवता है जरूरी का। ये मर्यादा पुरुष उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन चलती है इदा की, एक चलती है पिंगला की। इदा का नाड़ी का कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी की तैसी, इदा नाड़ी चंद्रमा की है, अभी ले आते हैं डायग्राम पे। अब पिंगला नाड़ी सूर्य की है, तो एक तो सूर्य की है हमारी इधर, एक इधर पिंगला चलती है, इधर पिंगला इधर इधर नाड़ी चंद्रमा की। अब ये दो नाड़ियां चलती है, एक का कोई डिसिप्लिन नहीं है इधर नाड़ी का, सूर्य नाड़ी का पूरा डिसिप्लिन है। सूरज देखा है अपने कितने डिसिप्लिन से चलता है, 12 महीने साल के वही बनते हैं, चंद्रमा का कोई सिर पैर नहीं, भाग रहे इधर उधर, कभी कोई जा रहे, अमावस्या आ गई ये हो गई, सूरज का कोई रोल नहीं है ऐसा। तो राम तो कहते हैं भैया जायज काम करना है, तो आप या तो जायज काम करते हुए मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर वो औरों के लिए होगा, या अपना जायज काम कर सकते हो वो सबके लिए होगा। कृष्ण ने हमेशा कहा नजायज इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग लाइक नजायज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कर्ण ने पाप किया, अलाउड, कर्ण को उड़ा दो, अलाउड। अर्जुन बेटा गड़बड़ हो रही है, तू अभिमन्यु दे दे, हाँ मार ले, टपक ले घटोत्कच दे दे, लगा दे, शक्ति मिली है इंद्र की, निपटा दो। अब कमाल है यार, कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई तमीज ही नहीं है। भीष्म को कह दिया साला ये नहीं करेंगे, फिर वो रथ का पहिया लेके मैं कसम तोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं भाग जाऊंगा, मैं रणछोड़ बन जाऊंगा। आपके अंदर गुदा है इतना। कृष्ण को दुनिया पूछती है, दुनिया दूसरे धर्म के भी पूछते हैं, शायद राम को नहीं पूछते। और हमारा सियाप्पा कहे हाय लोग क्या कहेंगे, कम से कम 4 लोग तो हमारे पास होते हैं जो कुछ कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, पता है कितना गंदा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, हे भगवान। मेरी माँ को मैं हमेशा ही राजा बेटा लगा, इसलिए राजा बेटा आज माँ को भी अच्छा ना लगे मुझको लगता है, इसलिए भाड़ में जाए, खुद को ही डिसलाइक करते हैं हम।
मेरे बिजनेस से दुखी हूँ, मैं उसे कोस रहा हूँ, मैं अपने बेटे से दुखी हूँ उसे कोस। अरे जो मिला मेरे कर्मों का फल है यार, काहे के लिए रोना है यार, ये तो लौट के आएगा, कर्म फल है, इसमें किसी को क्या गाली बकनी। एक ग्वाला एक बार घर अपने घर में मक्खन निकाला करता था, दूध दही बेचा, बचे हुए का मक्खन निकाला और लेकर जाता था एक शहर के लाला के पास के सबसे बढ़िया दाऊद लगता है, लाला हमारे को ना उसके बदले अन्न दे देता है। तो एक किलो का पेड़ा बनाता था मक्खन का वो, और लेकर लाला की दुकान पे चला जाता था, और लाला उसके बदले में उसे एक किसी दिन एक किलो चीनी, एक किलो गुड़, एक किलो शक्कर, एक किलो सब मीठा ले लिया मैंने, चेंज करते हैं, एक किलो बेसन ले लिया, कभी एक किलो चावल, ऐसे दे देता था। और बहुत बढ़िया काम चलता था, बहुत कुछ, लाला जी बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा बेटा तुम्हारा काम बहुत अच्छा, मक्खन अच्छा होता है। एक दिन लाला जी का बेटा आया, उसने कहा पिताजी चेक भी तो किया करो, इसका वजन पूरा भी होता है। बोले बेटा ईमानदार है, बहुत अच्छा मुझे पता है, पिताजी चेक तो करो, आज 10 पेड़े आए हैं, देखो तो सही, ये भी तो ले गया 10 थैलियां। देखता हूं भाई, देखा तो सारे के सारे पेड़े 900 ग्राम के। उसने कहा ये तो साला बहुत ही कमी ना है, पिताजी कल आएगा साले की खाल उधेड़ देना। बोले पहले मैं बात करूंगा साले, कब से ठग रहा है ना। अगले दिन वो फिर ले आया 10 पेड़े, बोले लाला जी लीजिए। बोले पहले बता चोर साले कमीने, 900 ग्राम का पेड़ा बनाता है तू, मुझे धोखेबाज, शर्म नहीं आती तुझे। बोलो जी 900 ग्राम हमें तो पता ही नहीं, हम तो गरीब लोग हैं जी, आप जो एक किलो की चीनी देते हो, एक किलो चावल देते हो उसके बदले, हम एक तरफ तराजू में वही रखते हैं और दूसरी तरफ मक्खन तोल के आपको दे जाते हैं। आपका कर्म का फल साथ आता है, वही 900 ग्राम चीनी देता है उसके बदले वही आ रही है। ये गलती से मत सोचना कि कर्म पीछा छोड़ देगा, कर्म विलीन करना है, किसी का आशीर्वाद लेना सीखो, कृपा लो, अन्यथा भूल जाओ, कभी नहीं छोड़ेगा आपका किया कर्म। आपको जो मिला है वो कर्म का फल है, आपकी टंकी में जितना पानी है वही आता है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, और जो भरा आएगा वही कोका कोला नहीं निकलेगी उसमें से। हमारे कर्मों का फल मिलेगा, ये राम है, ये जायज है, ये जरूरी है, आपको कौन सी वाली ये चुननी है ये हो गई आपकी मर्जी। दो सांसों की तार बोले, एक जय सियाराम और एक राधे श्याम।